Good morning students, myself Poonam Des, assistant professor of pathology. In today's lecture we will going to discuss about the bones of human skeleton system. So apna aaj ka aim kya hai, to study about bones of human skeleton system. Aaj ka aim apna hai to study about bones of human skeleton system. Human skeleton system ke andar kitni bones hai, unko kaise divide kiya gaya hai, hum uske bare mein discuss karenge. To iske upar aayenge apna chart hai human skeleton system ka. तो पहले क्या है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम. तो ह्यूमन स्केलेटल के अंदर अपनी टोटल जो बोन्स होती है वो होती है 206, मतलब 206 इन केस ऑफ अडल्ट. अगर न्यूबॉर्न बेबी की बात करेंगे तो वहाँ पे बोन्स अराउंड होती है 300 के अराउंड. जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा उस टाइम पे क्या होगा, ये जो बोन्स होती है फ्यूज होती है, जो कि अडल्ट के केस में कितनी रह जाती है, 206 बोन्स. तो अभी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का एम है अपना आज इनकी ही बोन्स की स्टडी करना, जैसे इनके नाम देखने हैं हमने, इंट्रो पार्ट करना है. तो जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन्स है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम. एक्सियल जो स्केलेटल सिस्टम है इसको फर्दर इसके अंदर जो बोन्स आएगी वो आ जाती स्कल की बोन, ये वाली स्कल बोन्स अभी मैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद वर्टेब्रा, इसको बैक बोन बोलते हो, इसकी बोन्स इसके अंदर आती है और इसके अंदर ये रिब्स वाली बोन आती है, और बीच में यहाँ जिसको ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, स्टर्नम की बोन बोलते हैं, वो भी किसके अंदर आएगी, आपकी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर आएगी. उसके बाद जो सेकेंड आपकी 80 बोन्स आती है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में, 206 में से अगर 80 निकाल दें तो रेस्ट ऑफ जो बचती है वो है 126 बोन्स, जो आपकी आएगी अंडर अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम. जो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है इसके अंदर आपकी जो बोन्स आएंगी कौन सी आएगी, अपर लिम की बोन जिसको आप बाजू की बोन्स बोलोगे, लोअर लिम की बोन जिसको आप लेग्स की बोन बोलते हो, शोल्डर गिर्डर इसको पेक्टोरल गिर्डर भी बोला जाता है, मतलब कंधे की जो बोन होती है आपकी. उसके बाद ये जो लेग्स की बोन है पैलविक बोन बोलते हैं, हिप बोन बोलते हैं, ये वाली बोन लोअर लिम के अंदर आपकी आएगी. और ये लोअर लिम की जो मतलब पैलविक बोन्स है, पेक्टोरल गिर्डर की बोन्स है, अपर लिम की बोन्स है, लोअर लिम की बोन्स है, ये आपकी आएगी अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर, जो टोटल नंबर में कितनी होती है 126 बोन्स होती है. अब देखो सबसे पहले एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें 80 बोन्स होती है. सबसे पहले आता है आपका ऊपर वाला पोर्शन स्कल, स्कल कौन सी होती है, खोपड़ी वाला पोर्शन. यहाँ पे आप जूम करके देख सकते हो इसको, ये क्या है आपका स्कल है, जिसको खोपड़ी वाला पोर्शन बोलते हैं. और इधर स्कल के अंदर फर्दर जो बोन्स होती है वो दो पार्ट में डिवाइड की गई है, क्रेनियम की बोन एंड फेशियल बोन. क्रेनियम बोन मतलब जो खोपड़ी बना रही है आपकी ऊपर से, स्कल बना रही है, और ये फेशियल बोन्स होगी आपकी यहाँ फेस वाली बोन्स होगी. जो क्रेनियम बोन्स होती है वो 18 नंबर होती है एंड फेशियल बोन 14 इन नंबर, मतलब फेशियल बोन 14 है और आपकी क्रेनियम की बोन 8 है, और ये दोनों ही क्रेनियम और फेशियल बोन मिलकर आपकी स्कल की बोन्स बनाएंगे. उसके बाद यहाँ पे देखो आप वर्टेब्रा दिखती है आपको, जिसको आप रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बैकबोन और रीढ़ की हड्डी. अगर आप उसकी बात करेंगे तो इसमें बोन्स देखेंगे तो 33 बोन्स होती है वर्टेब्रा की, बट विजिबल, विजिबल का मतलब हम कितनी देख सकते हैं अगर इसको काउंट करने बैठेंगे, तो ये जो बोन्स होती है ये 26 बोन्स विजिबल होती है. अब वो देखते हैं कैसे. अब जो ये सर्वाइकल है, देखो यहाँ पे देखो ये यही है रीढ़ की हड्डी का ही पोर्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है, सर्वाइकल की ही बोन है यहाँ पे. सबसे पहले ये जो पोर्शन है इसको बोला गया है सर्वाइकल पोर्शन. C1 से C7 तक की जो बोन है वो कौन सी होगी आपकी, सर्वाइकल, जो कि नेक रीजन में लाई करेगी, इसी वजह से इसको सर्वाइकल बोन भी कहा जाता है. और इसकी जो फर्स्ट वर्टेब्रा है, वर्टेब्रा क्योंकि ये जो रीढ़ की हड्डी है किससे बनी हुई है, छोटी छोटी वर्टेब्रा से बनी हुई है, इसमें अलग अलग जो 33 वर्टेब्रा है जिनमें से 26 विजिबल है, इन्हीं की सबसे पहली जो वर्टेब्रा है इसको क्या बोला गया है, एटलस बोला गया है. फर्स्ट जो यहाँ पे है इसको क्या कहा गया है, एटलस वर्टेब्रा. फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा का अनदर नेम क्या है, एटलस है. और ये जो C1 से C7 सर्वाइकल रीजन है, यहीं पे जब किसी को नेक, जैसे आप पिलो यूज करते हैं, पेन होता है, कईयों को सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो इसी रीजन की वजह से होती है. यहाँ पे पेन होता है, यहाँ भी कहीं ना कहीं नस ब्लॉक हो जाती है, नर्व ब्लॉक हो जाती है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल पेन होगा. उसके बाद C8 से जो ये 12 तक जो पेयर आएगी आपकी T1 से T12, इसको बोलेंगे थोरेसिस पोर्शन. जो वर्टेब्रा है थोरेसिस वर्टेब्रा, C1 से C7 तो आपकी सर्वाइकल थी, T1 से T12
वर्ब आपकी कौन सी आएगी, थोरेसिस वर्टेब्रा। उसके बाद ये जो नंबर वाला पोर्शन है ये एल्सिस को डिनोट करते हैं, L1 to L5 कौन सी आपकी वर्टेब्रा है, लुम्बर वर्टेब्रा जो पांच ही नंबर है। उसके बाद ये सेक्रम है, सेक्रम के अंदर ना पांच बोन फ्यूज हो चुकी है, फ्यूज होके इन्होंने क्या बनाई है एक बोन जिसको हमने सेक्रम बोला है। ऐसे ही कॉकिक्स के अंदर चार बोन ने फ्यूज होके क्या बनाई, एक बनाई है जिसको हम कॉकिक्स बोलते, इसको टेल बोन भी बोलते थे। अब आजकल तो ये रीढ़ की मतलब पहले क्या होता था जो अपने एंसेस्टर्स थे उनके अंदर क्या होता था, मंकीज में जैसे टेल बोन होती है वैसे ही होती थी हमारे अंदर भी। अब ये क्या होती है रिमूव हो चुकी है, अब हमारे पास ये कॉकिक्स की फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद ये थी हमारी सारी की सारी वर्टेब्रा। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे ये वाली बोन जिसको हम कॉलर बोन बोलते हैं, क्लैविकल बोन। कॉलर बोन का अदर नेम क्या है, क्लैविकल बोन। उसके बाद जो यहाँ पे कंधे वाली बोन है ये मैं आपको स्केलेटल सिस्टम में भी दिखाऊंगी, ये जो आपकी कंधे वाली बोन है इसको बोलते हैं स्कैपुला। कौन सी बोन है ये, स्कैपुला। उसके बाद ये देखो ये मसलियां बोलते हैं जिसको आप लोग रीब्स होती है, 12 एक साइड है, 12 दूसरी साइड है, तो टोटल कितनी होगी हमारी ये 24 इन नंबर, मतलब 12 पेयर है तो मतलब टोटल कितनी होगी रीब्स की बोन, 24 होगी। और बीच के अंदर जो एक बोन है जिससे रीब्स को अटैच किया हुआ है, ये तो पीछे से तो कौन सी है, ये तो आपकी रीढ़ की हड्डी है। आगे से जो रीब्स को अटैच कर रही है एक बोन, इसी बोन को क्या बोलते हैं, स्टर्नम की बोन, ब्रेस्ट बोन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये अपर लिम की बोन आती है, अपर लिम में सबसे पहले जो ये लंबी सी दिख रही है हमें हड्डी, इसको क्या बोला जाता है, ह्यूमरस कहा जाता है, ठीक है। अपर लिम की जो लॉन्गेस्ट बोन होगी इसको क्या बोला गया है, ह्यूमरस। इसके बाद देखो यहाँ पे दो हड्डियां दिख रही है हमें, जो हमारा कलाई वाला पोर्शन होता है यहाँ पे दो हड्डी होती है, ये एल्बो जॉइंट इसको कोहनी बोलते हैं, ये शोल्डर जॉइंट है इसको कंधे का जॉइंट बोलते हैं। अपन यहाँ से दो हड्डियां दिख रही है आप लोगों को डायग्राम में, एक को रेडियस बोलते हैं, एक को अल्ना। जहाँ पे थंब की साइड है, देखो यहाँ पे अंगूठा है ना, थंब साइड है, इस साइड पे जो बोन आएगी इसको बोलेंगे रेडियस, और इसके अपोजिट में जो बोन होगी उसको क्या बोलेंगे, अल्ना बोन। उसके बाद देखो यहाँ पे रिस्ट बोन होती है, कलाई वाली जोड़ होता है ना, कलाई वाला ऐसे आप रोटेट कर सकते हैं, जो ये कलाई का जोड़ है। इसके बाद यहाँ पे जो बोन आएगी इसको बोलते हैं कार्पल बोन, रिस्ट बोन, जहाँ पे आप वॉच डालते हो रिस्ट बोन, रिस्ट वॉच बोलते हैं ना, कलाई रख के आप इसको रोटेट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कलाई के अंदर भी जोड़ है। उसके बाद जो यहाँ पे हथेली है, पांव वाला एरिया है, इस बोन को बोलेंगे मेटाकार्पल बोन। उसके बाद जो आगे फिंगर्स दिख रही है आपको, इन फिंगर्स को क्या बोलोगे, फेलेंजेस बोन। फेलेंजेस बोन कौन सी होती है, आपकी फिंगर्स की बोन होती है, ठीक है। इधर भी सेम बोन्स रहेगी, इधर भी सेम। अब इनके नंबर देखते हैं, जो फिंगर्स बोन है एक इधर पे है, एक इधर पे, तो टोटल कितनी होगी, दो। ऐसे ही अगर इसके बाद हम रेडियस की बात करेंगे, एक इधर रेडियस, एक इधर, तो रेडियस भी कितनी, दो। अल्मा एक इधर, तो ये भी कितनी, दो। उसके बाद जो ये रिस्ट बोन होती है, इसको कार्पल बोला जाता है, ये कितनी होती है, 18 नंबर। एक हाथ में 8 है तो दोनों हाथ में कितनी होगी, 16 होगी। उसके बाद यहाँ पे देखो मेटाकार्पल हथेली की बोन दिख रही है हमें, इस बोन की जो होती है अमाउंट, वो एक हाथ में 5 होती है, तो दूसरे हाथ की, और अगर मतलब लेफ्ट में 5 है तो राइट में भी 5 होगी, तो टोटल कितनी होगी, 10 होगी। ऐसे ही आपकी फेलेंजेस आ गई, ये वाली फिंगर्स है दो। इन फिंगर्स में भी जॉइंट्स होते हैं, हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ऐसे मूव कर सकते हैं इनको, तो इन बोन्स के अंदर कितनी होती है, एक हाथ में 14 होती है, 14 होती है, तो दोनों हाथ में कितनी होगी, 28 बोन्स होगी। उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्लैविकल और स्कैपुलर की बात हुई थी, अब यहाँ पे देखो पेक्टोरल मिरर, पेल्विक की बोन आ गई। पेल्विक बोन में एक इधर बोन है, एक इधर बोन है, तो कितनी होगी, दो बोन होगी। और एक इसका इस पोर्शन को इलियम बोलते हैं, इस पोर्शन को सैक्रम बोलते हैं। अब लोअर लिम की बात करें, लोअर लिम मतलब लैग की बोन्स, देखो सबसे लंबी बोन दिख रही है हमारी बॉडी के अंदर, तो सबसे लंबी बोन होती है, इसको क्या बोला जाता है, फ्यूमर बोला जाता है। थाई बोन भी बोलते हैं इसको, एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज फ्यूमर, एंड स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज सेक्स, जो ईयर के अंदर होती है। अब देखो एक फ्यूमर इधर है, एक फ्यूमर इधर है, तो टोटल कितनी होगी, 2 इन नंबर। उसके बाद ये देखो यहाँ पे जो इस दिख रहा है हमें घुटनों वाला, इसको क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। एक इस साइड है, एक इस साइड है, तो एक राइट में है, एक लेफ्ट में है, कितनी होगी, 2 जॉइंट्स होगी, अपना 2 होगी बोन्स यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही रेडियस एंड अल्ना हमने देखी थी अपर लिम के अंदर, वैसे ही लोअर लिम के निचले पोर्शन के अंदर भी क्या होती है, जहाँ पे फिब्यूला बोलते हैं वहां पे 2 बोन होती है, एक फिबुला एंड एक टिबिया। जो अंगूठे वाली साइड है इसको टिबिया बोलते हैं,
14 होगी आखिरी। उसके बाद मेटाटार्सल, मेटाटार्सल इसमें भी मेटाटार्सल 5 थी, इसमें भी मेटाटार्सल 5, तो दोनों लेग्स में कितनी होगी 10। उसके बाद फैलेंजेस आ गई, आपके अंगूठे मिट्टी पैरों की उंगलियां हैं, इनके अंदर भी कितनी होती है 14 एक पैर की है, 14 दूसरे पैर की, तो टोटल 28 फैलेंजेस की बोन्स है। तो भाई आपका ह्यूमन स्केलेटन की टोटल बोन्स थी 206 जिसे ऐसे से डिवाइड किया गया। अब इसको स्केलेटल सिस्टम की हेल्प से भी देख लेते हैं। जब आप देखते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की हेल्प से, अभी मैंने बोन्स का बता दिया आपको, ये अपना स्केलेटल सिस्टम है। भाई आपके अंदर जो प्रेजेंट है, आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्कल की बोन होगी, आपकी खोपड़ी वाली बोन जो अभी हमने बात कर थी, इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बोन्स की डिस्कस करेंगे। ये ऊपर आपकी क्रेनियम होगी और ये वाली सारी बोन्स आपकी कौन सी होगी, फेसियल बोन। ये 8 बोन थी, ये आपकी 14 बोन थी। उसके बाद आपको यहाँ पे थायरॉइड बोन भी होती है जो एग्जोस्केलेटल सिस्टम में होती है, जो कि टंग को अटैच करती है नेक वाले रीजन के अंदर। उसके बाद ये पीछे से आप देख पा रहे हो ये सारी जो बोन्स होती है, ये कौन सी अपनी वर्टेब्रा बैक बोन, रीढ़ की हड्डी की बोन है, जिसको सर्वाइकल पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसके बाद आपकी थोरेसिस है, लुम्बर है, उसके बाद आपका सेक्रम है, कॉकिक्स है ना, ये वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद ये टूटी हुई है जो यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं आप कॉलर बोन। देखो यहाँ पे ये टूटी हुई है, इसको जूम कर सकते हो, ये क्लेविकल बोन है, ठीक है। ये क्लेविकल जो बोन है आपकी, और यहाँ पे स्कैपुला भी है जो अभी इसमें से निकला हुआ है, पीछे की साइड होता है यहाँ पे स्कैपुला आपका। और ये देखो ये जो आपकी हड्डी है अपनी बाजू की है, अपर लिम की बोन से ह्यूमरस, क्लेविकल इसको आगे से अटैच करती है और पीछे से यही फिर स्कैपुला इसको जोड़ के रखती है कंधे को, ठीक है। और ऐसे ही ये आपकी कौन सी होगी, ह्यूमरस बोन है, रेडियस, ये रेडियस है, अल्ना है। उसके बाद ये आपकी फेलेंजिस बोन्स होगी, मेटा रिस्ट की बोन है, कार्पल बोन, मेटा कार्पल बोन। उसके बाद ये फेलेंजिस की बोन, ये रिब्स की बोन, देखो ये पसलियां हैं जिसको रिब्स बोल बोल रहे हैं, जो 24 है। उसके बाद ये बीच वाला पोर्शन जूम करके देख सकते हैं, इसको बोलते हैं आप स्टर्नम, जो बीच में ब्रेस्ट बोन होती है रिब्स को अटैच करके रखती है, ये होती है आपकी स्टर्नम की बोन। उसके बाद ये देखिए नीचे ये वाला पोर्शन पेल्विक बोन है, हिप बोन बोलते हैं जिसको, दोनों की दोनों पेल्विक बोन, ये आपका कॉकिक्स रीजन है। उसके बाद ये आपकी फ्यूमर है, लॉन्गेस्ट बोन। उसके बाद ये देखो पटेला है, यहाँ पर जो जॉइंट है। उसके बाद ये दोनों आपकी कौन सी रहेगी, फिबुला और टिबिया। उसके बाद आपकी वही टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजेस, ठीक है। होप सो आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, पसंद आया वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।